जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। गाइस, अगर आप भी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ मैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। चलिए मज़ा आने वाला है, और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। ओके चलिए देखते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। तो आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? जी हाँ, आत्मा का विज्ञान बताना है आप लोगों को किसको कहा जाता है। कमेंट्स आप भी कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी बेटर रिविज़न हो और आप लोग भी शानदार यहाँ पर मार्क्स हासिल करो। चलिए ऑप्शन अलग अलग दे रखा है यहाँ पे, जैसे दर्शन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मनोविज्ञान को। तो गाइस देखिए यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन है, आत्मा का विज्ञान पूछा है आप लोगों का। आत्मा मतलब मन से रिलेटेड होती है, किससे? आत्मा मतलब मन से रिलेटेड होती है, और ये आप लोगों का हो जाएगा क्या इसका उत्तर? मनोविज्ञान। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी इसका कमेंट्स बॉक्स में सही कमेंट्स किया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? जी हाँ, ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, कमेंट्स आप भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किसने कहा था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे, और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो कि प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस अभी आप लोगों के लिए सेटेट एग्ज़ाम वालों के लिए यहाँ पे हम लोग लाने वाले हैं। ओके, बहुत शानदार शानदार क्लासेस और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है, खेल प्राणी के जन्मदाता है। देखिए खेल प्राणी के जन्मदाता यहाँ पर पूछा है आप लोगों को, फ्रोबेल, टर्मन तथा मिलर, जीन पियाजे या वायगोस्की। तो गाइस चलिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करने से आप लोगों का भी रिवीजन होता है, मैं बार बार यहाँ पे आप लोगों को कह रहा हूँ। वीडियो को लाइक भी कीजिए क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। चलिए तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। क्या हो जाएगा? खेल प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ये आप लोगों के है फ्रोबेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ओके स्क्रीन पर, विद्यार्थी शिक्षक में माध्यम कैसा संबंध होना चाहिए? देखिए विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। कोई संबंध नहीं होना चाहिए, पिता शिशु जैसा, एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई और संबंध नहीं, पूर्णतः शिष्य जैसा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चन है, और आप लोग आशा करता हूँ इसका सही उत्तर करोगे। ओके, ये आप लोगों के पेडोलॉजी के क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है और लॉजिकली सब्जेक्ट है। ओके चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही उत्तर क्या है, आप लोगों ने क्या किया है और इसका सही उत्तर क्या है। चलिए तो देखिए, एक विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य पिता और शिशु के जैसा संबंध होना चाहिए। ओके, ये आप लोगों का राइट हो जाएगा, कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है आप लोगों का। एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई और संबंध नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पूर्णतः शिष्य जैसा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट वाला ऑप्शन आप लोगों का कौन सा? बी होना चाहिए, कि पिता शिशु जैसा संबंध रहना चाहिए शिक्षक में, आपस में जो है तालमेल और प्रेम जो है आप लोगों का बना रहना चाहिए। ओके चलिए, पिता कैसे आप लोगों को मार्गदर्शन करते रहता है, वैसे शिक्षक भी यहाँ पर आप लोगों का मार्गदर्शक होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर। चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्र को डांटना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए,
छात्र को उत्तर सही बताना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकली है, उत्तर कीजिएगा आप लोग भी, उत्तर बिल्कुल सही कीजिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला क्यों हो जाएगा, बिल्कुल छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए, ना कि छात्र को डांटना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हम लोग जबरदस्ती, छात्र को दंड भी नहीं दे सकते। ओके, सबसे सही तरीका है कि छात्र को हम सही उत्तर बताएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकली, यहाँ पे यानी आप लोग कहते हैं ना चाइल्ड डेवलपमेंट में मार्क्स ज़्यादा नहीं आते, बिल्कुल यहाँ पे आसान तरीके से आप लॉजिक लगा के अच्छे खासे नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, बालकों के लिए कौन सी विधि सीखना उपयोगी होता है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, लेखन विधि या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आप लोगों का उत्तर आसानी से सही हो जाएगा और शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो प्यारे साथियों ये आप लोगों का है प्रदर्शन विधि। ओके, बालकों के लिए प्रदर्शन विधि सीखना उपयोगी होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है। जी हाँ, पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश क्या कहलाता है? ओके, क्या कहा जाता है? समायोजन कहलाता है, उत्तर समायोजन या निर्माण या सात्मीकरण। चलिए चलिए आप भी उत्तर कीजिएगा। तो देखिए ये कहलाएगा आप लोगों का सात्मीकरण। ध्यान रखिए वेरी वेरी आईएमपीओ और मोस्ट आईएमपीओ के, एक बार रिपीट कर दूं क्वेश्चन, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सात्मीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके चलिए देखते हैं हम लोग, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये रहा ओके, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका बताया है? ओके, समाज का, छात्र का, विद्यालय का या घर का। महत्वपूर्ण योगदान जो बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है वो समाज का होता है या छात्रावास का, छात्रावास का जहाँ पे छात्र लोग रहते हैं, या विद्यालय जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, या घर जहाँ चलिए स्टूडेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जिस समाज में रह रहे हो आप, ओके बालक लोग रह रहे हैं, वो जो है बालक के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। ये किन्होंने कहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने कहा है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो प्यारे साथियों ये रहा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या है? देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि पूर्व नैतिक अवस्था की एक आयु सीमा होती है। अब वो आयु सीमा क्या है ये आप लोगों को बताना है। ओके, कमेंट्स कीजिएगा जरूर, ऑप्शन आप लोगों के सामने। देखिए 2 से 4 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक, या जन्म से 4 वर्ष की, ओके, या बाल्य अवस्था से पूर्व किशोर अवस्था तक। चलिए उत्तर कीजिए, इसका सही उत्तर आप लोगों को मैं बता दूं, बी होगा। ओके, जन्म से 2 वर्ष तक का जो है आप लोगों का आयु वो पूर्व नैतिक अवस्था के आयु की सीमा होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है? जी हाँ, बताना है आप लोगों को, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है? बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था तक, या ये और बी दोनों, किस अवस्था में? चलिए तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था में। जी हाँ, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किशोरा अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बी एवं डी तथा सा एवं वाज अंतर या भेद ना कर पाने वाले छात्र किस अधिगम असक्तता से पीड़ित होते हैं? जी हाँ, ओके, जैसे बता दूँ किसी छात्र को ना तो बी समझ में आ रहा है और ना डी, यानी देखिए बी और डी में ये डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। ओके, और जैसे ये आप लोगों का एक इंग्लिश का लेटर सा हो गया, देखिए, और इसका अपोजिट वाला हो गया
इधर से पढ़ेंगे तो वाज़, तो इन दोनों में डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्र जो है किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफेजिया या उपरोक्त सभी। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार की बीमारी है, ओके, जिसमें लेटर में जो है आप लोगों के जो है वो डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, थोड़ा उनको पढ़ने में दिक्कत जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या जन्म में। चलिए जन्म से, तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर आप लोगों का जन्म से स्टार्ट हो जाता है बालक के समाजीकरण की जो प्रक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, जन्म से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप पैदा होते हो तब से ही आप लोगों का जो है समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, समाज यानी समाज में होने वाले जो आप लोगों के क्रियाकलाप है, वार्तालाप है, वो सारा सारा का सारा बिहेवियर जो है वो आप लोग सीखते चले जाते हो तब, जन्म से, ओके, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है आप लोगों की जब आप पैदा हो जाते हो, तब से ही स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये रहा आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी, ओके गाइस। चलिए देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों के मात्र सीटेट एग्जाम ही नहीं, जितनी भी टेट एग्जाम होती है, ओके, वो आप रीट की बात कर लूँ मैं, या यूपी टेट की बात कर लूँ, या एमपी टेट की बात कर लूँ, ओके, ऑल टेट एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी सब्जेक्ट आप लोगों का टेट के सभी एग्जाम में कॉमन होता है, ओके। देन गाइस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सीटेट और टेट सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। क्या वातावरण व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है? क्या वातावरण व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है? जी हाँ, जैसे बता दूं मैं आप लोगों के व्यक्तित्व में विभिन्नताएं पाई जाती, कोई व्यक्ति किस प्रकार से बिहेवियर करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से यहाँ पे व्यवहार करता है। जी हाँ, तो ये आप लोगों का एक कारण यानी बताना है कि कारण है या नहीं। चलिए निश्चित नहीं है, हाँ नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका उत्तर बी होगा। जी हाँ 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 वातावरण ही है जो व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है, ओके। व्यक्ति में विभिन्नता का कारण क्या है? वातावरण है। आप जिस वातावरण में रहोगे उसी प्रकार से आप व्यवहार करोगे। जी हाँ, आप वहीं से कुछ ना कुछ सीखोगे उस वातावरण से, ओके, इस वजह से एक कारण है वातावरण, ओके, व्यक्तित्व में डिफरेंस के लिए। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, संवेग निम्न में से किसका एक उदाहरण, एक महत्वपूर्ण तत्व है? संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? विश्लेषण, समस्या ए तथा बी दोनों। तो चलिए ये रहा आप लोगों का इसका सही उत्तर, ओके, कौन सा? विश्लेषण। संवेग विश्लेषण में, ओके, निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है बोला था, तो ये आप लोगों का विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है? यौन संबंधी समस्या, ओके, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, या प्रौढ़अवस्था में, या उपरोक्त सभी में। तो आप लॉजिक लगा के बिल्कुल इसका उत्तर सही कर सकते हो। यौन संबंधी समस्या के बारे में बात किया है कि कब संवेदनशील होती है, किस अवस्था में संवेदनशील होती है, तो देखिए ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में संवेदनशील होती है। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर बता दूँ आप लोगों का क्या होगा, फ्रांसिस गाल्टन, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि, फ्रांसिस गाल्टन, ओके। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ओके।
एक बार रिपीट कर दूं क्वेश्चन में, उत्तर आप भी कीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर कीजिए कितने आपने लास्ट में क्वेश्चन सही किया है। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? चलिए, उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में, या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ओके, कक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछा है, क्या कक्षा में शिक्षक को लीडर का जो है लीडर की भूमिका निभाना चाहिए? तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। मित्र के रूप में रहना चाहिए, तो बिल्कुल मित्रता भी अच्छी बात नहीं है, शिक्षक को उत्प्रेरक के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। टर्मन तथा स्टर्न ने स्टर्न के बुद्धि को माना जाता है, सॉरी एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा मैं, टर्मन तथा स्टर्न के, ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन सुधार लेते हैं हम, टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है योग्यता संरक्षक, अभाज्य तथा अखंड इकाई, परिवर्तनीय इकाई या निर्णायक इकाई? चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अभाज्य तथा अखंड इकाई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ओके, जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है, किस विद्वान का मत है? किस विद्वान का मत है ये आप लोगों को पूछा है क्वेश्चन में, कोहलबर्ग, वायगोत्स्की, गिलफोर्ड या डी जी फोर्स? तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा में बताना है आप लोगों को महत्वपूर्ण योगदान किसका है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, देखते हैं हम लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जॉन डीवी। ओके, जॉन डीवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो चलिए उत्तर कीजिएगा, इसका सही उत्तर बता दूं या आप लोगों को क्या होगा, तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, पाइन व टेंडलर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्थायी, बहुमुखी या अनियंत्रित हो जाती है? वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती है, तो चलिए ये क्या हो जाती है, बहुमुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, बौद्धिक विकास में सहायक है क्या है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षण, हिंदी भाषा में शिक्षण या मातृभाषा में? ये मातृभाषा में शिक्षण। ओके, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मातृभाषा में शिक्षण बौद्धिक विकास में सहायक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यही पूछा है आप लोगों को, छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, कठोर दंड देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, उपरोक्त सभी? तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा कि छात्र की समस्या, आप लोगों का जो है क्या कारण था जिसकी वजह से वो भाग के गया, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे शिक्षक। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, तो गाइस यह रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है, आत्मा से, स्वयं अध्ययन से, भाषा से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का भाषा से। ओके, अनुभव को प्रकट करने का माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। जी हाँ बिल्कुल, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है या दी जा सकती है? सामाजिक स्थापना की, सामाजिक की यथार्थ या सामाजिक चिंतन की, सामाजिक व्यवहार की? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो गाइस ये बिल्कुल आप लोगों का डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। जी हाँ, सामाजिक व्यवहार की, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा
सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ओके साहचर्य, शब्द साहचर्य की, ओके एक बार रिपीट हुआ है क्या शायद क्वेश्चन? चलिए देख लेते हैं हम लोग। सेरोकिन, फ्रांसिस गाल्टन, गेटिस या वाइगोत्स्की? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गाल्टन। ओके ध्यान रखिएगा शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। ओके चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बताना है आप लोगों को, ओपन यूनिवर्सिटी कब हुई थी? ओके तो ये हुई थी 1986 में हुई थी, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में उनका उसका नाम कमेंट्स कीजिएगा जो विद्यालय है, पूछ सकता है आप लोगों को। ओके चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई शिक्षा नीति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को व्याख्यान करें, छात्रों को प्रश्न ना पूछे पूछने दें, छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे या छात्रों को गृह कार्य अधिक दे? तो बिल्कुल यहाँ पे सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा आप लोगों के सामने, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है सामाजिक चेतना, अधिगम्य रुचि, संवेगात्मक त्रुटि या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक चेतना। जी हाँ, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार को पढ़ने से क्या मिलती है हमको? सामाजिक चेतना मिलती है। जी हाँ, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जानकारी पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, मतलब सामाजिक चेतना यहाँ पे मिलती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु होती है? चलिए तो देखते हैं इसकी सही उचित आयु क्या होगी भूल भुलैया परीक्षण के लिए। ये आप लोगों का 5 से 10 वर्ष की आयु होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है? चलिए तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम मारिया मॉन्टेसरी। देखिए मॉन्टेसरी नाम से ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? शैशव अवस्था को, बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या पूर्व बाल्यावस्था को? तो चलिए ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? जी हाँ, तो बिल्कुल इसका उत्तर डी सही हो जाएगा आप लोगों का, बाल्यावस्था में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया है? जी हाँ, 3 से जो 12 वर्ष तक की आयु है, काल है, उसको बाल्यावस्था माना गया है, ये किस विद्वान के द्वारा माना गया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखोगे हरलाख। ओके ये मनोवैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने माना है 3 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था। ओके चलिए, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग आयु यहाँ पर बाल्यावस्था के लिए रखा होगा, किसी ने 3 से लेकर 11 तक की रखा होगा, किसी ने 3 से 10 तक की, और किसी ने 3 से 12। तो 3 से 12 किनने रखा? हर लाख ने, जो अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है ये बताना है आप लोगों को, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तर इसका हो जाएगा हरमन इबिन हास। ओके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगामी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को अधिक से अधिक मिले। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चलिए तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा टॉलमैन। ओके
चलिए गाइस, बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। सीटेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाइव आप लोगों के लिए लाया जाएगा। कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइए आप लोग लाइव क्लासेस चाहते हो। अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है द्वंद्व, हर्ष, सामाजिक सौहार्द या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व। ओके, अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में अक्सर द्वंद्व उत्पन्न होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है राष्ट्र को नियमित करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, राष्ट्र का एकीकरण करना। तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है। सब मिलजुल कर रहो, शिक्षा हमको यह सिखाती है। बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है, जिन प्यासे, ड्रेवर। ओके, अलग अलग आप लोगों के मनोवैज्ञानिक है, जिनमें से बिने इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों, निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है, बाल्य अवस्था को, पूर्व किशोरावस्था को, किशोरावस्था को, उपरोक्त सभी को। इसका सही उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर किशोरावस्था। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है, अंतर्मुखी, बहुमुखी, अल्पमुखी। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी, यानी मन ही मन में जो है विश्वास रखने वाला, अपने मन पर विश्वास रखने वाला, एकांत में खुद पर भरोसा रखने वाला अंतर्मुखी कहलाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो उसका कारण है, भय, तनाव, द्वंद, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसी समस्या का अगर बालक समायोजन नहीं कर पा रहा है तो वो एक प्रकार से भय में है, तनाव में है और द्वंद्व है। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, कुसंग, अभिव्यक्ति, अभिप्रेरक, अभिप्रेरणा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। ओके, कुसंग अधिगम का मुख्य चालक नहीं हो सकता, कुसंग मतलब गलत संगति, अभिव्यक्ति ये भी नहीं हो सकता। ओके, मात्र अभिव्यक्त करने से आपको अधिगम नहीं आएगा, अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है कार्यों को दूसरों के कहने पर करना, कार्य को दंड भय के कारण करना, या कार्य को अपनी इच्छा से करना, कार्य को भयभीत होके करना। तो सकारात्मक सोच इसमें से कौन सी, सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर बिल्कुल कौन सा वाला हो जाएगा, तो आप लोगों का ये आप लोगों का हो जाएगा कार्य को अपनी इच्छा से करना हो जाएगा सकारात्मक प्रेरणा। ओके, बाकी ये ऑप्शन आप लोगों के गलत हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, प्रेरणा का स्वरूप है केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर सी हो जाएगा। ओके, प्रेरणा आप लोगों की नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई प्रेरित कर रहा है तो देखिए अच्छे काम के लिए भी प्रेरित कर सकता है और गलत काम के लिए भी यहाँ पे आप लोगों को प्रेरित कर सकता है, जैसी संगति वैसा असर आप लोगों को होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा टॉलमैन। ध्यान रखिएगा, संभावना सिद्धांत, टॉलमैन। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ये रहा, सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं सक्रिय, प्रदत्त या अर्जित प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। ओके, सीखना मतलब कुछ अर्जित करना होता है, तो ये क्या कहलाएगा, अर्जित प्रेरक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को कहा जाता है
सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को कहा जाता है। सामाजिक बहुमुखी, सम्मुखी या सामाजिक तत्व, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा बहुमुखी हो जाएगा। चलिए देखिए, जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखता है वो यानी बहुमुखी कहलाता है वो, कि बहुत सारी जो आप लोगों की जो है कलाएं जानता है वो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक पूछा है। धर्म है, जाति है, प्रथाएं हैं या अनुवांशिकता है? चलिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का अनुवांशिकता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक शब्दों को लिखे, छात्रों को गृह कार्य दे, शिक्षण शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करें, सही उच्चारण न करने वाले छात्र को दंड दे। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, शिक्षण के समय स्वयं सही उच्चारण करें, तभी छात्र सही उच्चारण करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए बढ़िया, बहुत ही शानदार और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सारे के सारे, बिल्कुल आप लोगों के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, किसका मत है? चलिए बढ़ेंगे तो देखिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ओके बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कार्यक्रमबद्ध अनुदेश के विचारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का प्रेस्से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, 12 वर्ष से कम, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले या 10 वर्ष तक के आयु वाले? तो देखिए यहाँ पे 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? जी हाँ, एनसीटीई है या यूजीसी, सीबीएसई या एनसीईआरटी? तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्या, सीबीएसई। ओके सेंट्रल बोर्ड, ओके सेकेंडरी एजुकेशन का जो है उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब केंद्रीय लेवल पे शिक्षा जो प्राप्त होती है उच्च शिक्षा, वो आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दी जाती है। बढ़ेंगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत में निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? चलिए समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्यारे साथियों, आप भी प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन अधिक से अधिक करने का, और बताया हूँ जैसे कि लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है? तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यचर्या कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि गणना है, 90, 110, 110, 120, 120, 130, 125 से 140? चलिए तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि है। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, किस विद्वान का मत है? चलिए यहाँ पे बाल विकास में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे नंबर हमको गेन करना है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बेरिया आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाटसन। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, बुद्धि व मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करते? जी हाँ बिल्कुल करते हैं, हम बुद्धि मानसिक योग्यता है उसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, ओके और किसी समस्या का समाधान भी करते हैं। तो समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं,
बिल्कुल, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान का मत है। चलिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, रेक्स नाइट नाम के वैज्ञानिक है, विद्वान है, ओके, जिन्होंने ये कथन कहा था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। हाँ नहीं कह नहीं सकते, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक है जीन पियाजे, हा पियाजे स्किनर, ओके, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्प। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसका मत है कि शरीर के रंग रूप आकार कार्य बुद्धि रुचि ज्ञान गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा टाइलर। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्तता होती है। मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती तो कौन सी जो है बीमारी वो कहलाती, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, अफेजिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में सेरेब्रम में के क्षति के कारण होता है, मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है डिसलेक्सिया डिसग्राफिया अप्रेक्सिया या अफेजिया। तो ये रहा वेरी आईएमपी, अप्रेक्सिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा क्रो तथा को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक भौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना कहलाता है, तो ये आप लोगों का कहलाता है समायोजन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का फ्रोबेल को, याद रख लीजिएगा आप लोग, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक। ओके, बाल विकास का आरंभ होता है गर्भावस्था में शैशवावस्था में कक्षा में या उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रख लोगे गर्भावस्था से ही, यानी माँ के गर्भ से ही आप लोगों का जो है बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी और सिंपल क्वेश्चन। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ह्यूस्टन का। ओके, देखते हैं हम लोग तो क्या है, यह आप लोगों का हो जाएगा कर्नल योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है क्या है, तो ये आप लोगों की है क्या, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी प्राचीन समय में, गुरुकुल आश्रम पद्धति थी बिल्कुल मौखिक शिक्षा, ओके ये भी थी, तो सभी हो जाएगा आप लोगों का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या शिक्षा मित्र, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या किया जाता है, जो पढ़ लिख नहीं सक रहे हैं उनको अलग से शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, जैसे आप लोगों के माता पिता के उम्र के जो व्यक्ति है उनको यहाँ पे इसके द्वारा खास करके विशेष करके शिक्षा दी जा रही है, उनको लिखने पढ़ना सिखाया जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है, सहयोग का नकारात्मक काल्पनिक या सांसारिक, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का सांसारिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है। जी हाँ, बाल्यावस्था में शिशु क्या करता है, मतलब सांसारिक दृष्टिकोण, मतलब जो समाज में गतिविधि हो रही है घर में गतिविधि हो रही है वो गतिविधि पूरी की पूरी बच्चे सीखते चले जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा
संरचनात्मक दृष्टि से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द्वि तत्व सिद्धांत संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का किससे संबंधित है, बुद्धि के सिद्धांत से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है। तो सीखने की गति क्या होती है, धीमी गति होती है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसे कठोर दंड देंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करोगे। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, गूंगे बालक, नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक। तो ये सभी आ जाते हैं आप लोगों के विकलांग बालकों के अंतर्गत। ओके, तो गाइस यह थे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, 100 सुपर 100 क्वेश्चन थे और बिल्कुल यहाँ पे सीटेट हो या कोई भी टेट के एग्ज़ाम हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट और आगामी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।